फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स ए बी सी डी. चलो सपोज करो ये ए है, ये बी, ये सी है आपका, ये डी है. ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 3 -1 2 और बी के कोऑर्डिनेट है 1 2 -4. सी के कोऑर्डिनेट है आपके -1 1 2. ठीक है बेटा, ये दिया हुआ है. ये हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है ना वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि बाइसेक्ट करने का मतलब है जो दोनों के हिसाब से मिड पॉइंट अगर हम निकालते हैं तो मिड पॉइंट सेम आएगा, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी और मिड पॉइंट ऑफ बी डी शुड बी सेम. ठीक है, एज वी नो द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकाला, मिड पॉइंट ऑफ ए सी. That will be x1 plus x2 upon 2, यानी कि 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, 2 को 2 से डिवाइड करा 1 आ गया, -1 + 1 यानी कि 0 आ गया, और 2 + 2 = 4 हुआ यानी कि 2 आया. यह हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले ए सी के. अगर हम बी डी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे वो भी यही आने चाहिए, है ना. तो इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए हमने क्या माने, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड. ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट अगर हम निकालते हैं तो यानी कि x + 1/2 इट शुड बी इक्वल टू 1, x कोऑर्डिनेट के इक्वल होना चाहिए. इसी तरीके से हम इसका मिड पॉइंट निकालते हैं y + 2/2 इट शुड बी इक्वल टू 0 और z - 4/2 इट शुड बी इक्वल टू 2. देखिए ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि जो है डायगनल जो है बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि बाइसेक्ट करने का मतलब है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं. तो दो इक्वल पार्ट में यानी कि इस वाली लाइन एसी का मिड पॉइंट और जो मिड पॉइंट है बीडी का वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो दोनों हिसाब से पहले हमने एसी का मिड पॉइंट निकाल लिया, फिर हमने बीडी का मिड पॉइंट निकाला, दोनों को हमने इक्वल रख दिया. तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 - 1 यानी कि 1 हो गया, y = -2 हो गया, z = कितना हो गया 2 × 4 = 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि जो कोऑर्डिनेट ऑफ डी हो जाएंगे वो क्या हो गया आपके 1 - 2 और 8. ये हमारा आंसर. इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है. ठीक है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला वही होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2 और z1 + z2/2, वही फॉर्मूला हमने इसके अंदर यूज किया. फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. Find the length of the median of a triangle with vertices. ठीक है, ट्राइंगल की वर्टिसेस दी हुई है, मीडियन की लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो कोई ट्राइंगल है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, ये ए बी और ये सी. कोऑर्डिनेट ऑफ ए गिवन है 0 0 6, कोऑर्डिनेट ऑफ बी है आपका 0 4 0, कोऑर्डिनेट ऑफ सी है 6 0 0. ठीक है, लेंथ ऑफ मीडियन, मीडियन क्या होती है, मिड पॉइंट से अगर हम ज्वाइन करते हैं दैट इज नोन एज ए मीडियन. तो यहाँ आपका मिड पॉइंट पहले हमें निकालना होगा, इसकी लेंथ निकालनी है.
इसका मिड पॉइंट पे कोऑर्डिनेट निकालने का वही फॉर्मूला है जो अभी हमने निकाला, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू यानी कि 6 प्लस 0 अपॉन 2 यानी कि 3 हो गया, और 4 प्लस 0 यानी कि 2 हो गया, 0 प्लस 0 कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, इसकी लेंथ निकालनी है। ये मान लो डी पॉइंट अगर हमने लिया तो लेंथ ऑफ एडी, तो लेंथ ऑफ एडी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूले से हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया, 2 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, 0 माइनस 6 यानी कि माइनस 6 का स्क्वायर हो गया, यानी कि इसकी जो लेंथ हो गई वो हो जाएगी 9 प्लस 4 प्लस 36 यानी कि 49, 49 का मतलब 7। तो जैसे हमने लेंथ निकाली है ए बी की, उसी तरीके से हम लेंथ निकाल सकते हैं डी ई की। डी की कैसे निकालेंगे, पहले हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे ई के, ठीक है, उसी तरीके से हम सी एफ की निकाल सकते हैं, एफ का मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर हम इसकी डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये बाकी दोनों पार्ट आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लेंथ निकाली है ए डी की, उसकी तरीके से लेंथ आप बी ई की निकाल सकते हैं और सी एफ की निकाल सकते हैं। दोनों ही क्वेश्चन हमारे ये सेम है, दोनों ही पार्ट में था, वो आप कर लेना। फिर बेटा थर्ड क्वेश्चन है, If the origin is the centroid of the triangle PQR with vertices, कोई ट्राइंगल है PQR, है ना, क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है, ट्राइंगल PQR इनके कोऑर्डिनेट गिवन है 2a 2,6 और Q पॉइंट है -4 3b -10। और कोई नेक्स्ट पॉइंट है आपका R पॉइंट 8,14,2c। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और सेंट्रॉइड जो दिया हुआ है ओरिजिन दिया हुआ है। सेंट्रॉइड क्या होता है, जैसा अभी हमने मीडियम निकाली थी ना, सेंट्रॉइड ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है मीडियम का। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है मीडियम का, इसका जो फॉर्मूला है ना, मीडियम सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला है ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये आप याद रखना, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियम एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री और वाई वन प्लस वाई टू, इसी तरीके से अपॉन थ्री और जेड वन प्लस जेड टू और जेड थ्री अपॉन, ये फॉर्मूला होता है सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो ओरिजिन दिया हुआ है 0,0,0। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम जाए, पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को अगर हम की जो वैल्यू है वो जीरो है, या कंपेयर बाद में कर लेना चाहे आप ऐसी पॉइंट लिख लो, इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं। पहले तीनों को अगर ऐड करके निकालते हैं, x1 का मतलब 2a माइनस 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3, ये तो आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 हो गया। इसी तरीके से y1 प्लस y2 करते हैं तो 2 प्लस 3 भी प्लस 14 डिवाइडेड बाय 3 होगा,
इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 6 माइनस 10 प्लस जेड थ्री, जेड थ्री का मतलब 2c डिवाइडेड बाय 3 हो गया। इन सब की वैल्यू जो है, ये कोऑर्डिनेट क्योंकि सेंट्रोइड निकाला है हमने, ठीक है, ये भी सेंट्रोइड है तो ये तीनों के ऑर्डिनेट इक्वल होने चाहिए, यानी कि ये वाला जीरो के इक्वल हो, ये भी जीरो के इक्वल हो, ये भी जीरो के इक्वल हो। अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये कितना है, 2a प्लस 4 हो गया है ना, 2a प्लस 4, ठीक है, इट शुड बी इक्वल टू जीरो, यानी कि a इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 2 हो गया। इसी तरीके से हम इसको कंपेयर करते हैं, 3b प्लस 16 इक्वल टू जीरो, यानी कि d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के 16 अपॉन 3 हो गया। और इसी तरीके से हम z कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2c माइनस के 4 इक्वल टू 0, यानी कि c इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि a b c की जो वैल्यू है वो आपकी माइनस 2 आ रही है और d की वैल्यू माइनस 16 अपॉन 3 आ रही है ना। 3b है, 3b यहाँ हमने ऐड किया 2 और 3 14 16 दिया है, ठीक है, माइनस 16 अपॉन 3 आ रहा है, c इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इस तरीके से हमने a b c की वैल्यू फाइंड आउट करी। क्वेश्चन में क्या गिवन था कि a b c क्यू आ रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेट गिवन है और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट जो है वो ओरिजिन बताएंगे, ओरिजिन का मतलब है 0 0 0। और हमारे हिसाब से जो फॉर्मूला है सेंट्रोइड निकालने का वो हमने यूज किया, x1 प्लस x2 प्लस y3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, z1 प्लस z2 अपॉन 3। ये वैल्यू हमने जो गिवन थी वो हमने वैल्यूज पुट कर ली और इनको इक्वेट कर लिया है ना, x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, y के इक्वल होगा, z के इक्वल होगा। इन्हें पुट करने के बाद हमने फिर ए बी सी की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर ली है ना, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। फिर बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑन द वाई एक्सिस व्हिच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5√2 फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, ये कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। देखो वाई एक्सिस पे क्या होगा, वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा। वाई कोऑर्डिनेट मान लिया हमने वाई है और जेड कोऑर्डिनेट भी 0 है वाई एक्सिस, ठीक है, उसकी जो डिस्टेंस है किसी दूसरे पॉइंट से वो पॉइंट कितना है, 3 - 2 और 5। ये डिस्टेंस जो गिवन है इस पॉइंट की है ना, कोई पॉइंट ए है ए और ये पॉइंट जो दिया हुआ है सी दिया हुआ है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है 5√2 दिए गए हैं। तो वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो इसमें है ना, AP की जो डिस्टेंस है वो 5√2 दी हुई है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं हम इसको, AP इज इक्वल टू 5√2। तो दोनों साइड का हम स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो रूट नहीं लगाना पड़ेगा हमें है ना, तो 0 - 3 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का स्क्वायर 0 - 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 25 × 2, यानी कि 9 हो गया। इसको आप वाई प्लस 3 लिख रहे दो क्योंकि स्क्वायर रूट ले लेंगे फिर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ये 25 होंगे, ये 50 है। तो वाई प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 50 - 25 + 9 कितना हो जाएगा, 34।
यानी कि कितना आएगा आपका 16 आएगा, यानी कि y प्लस टू इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो गया है ना। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू या तो अगर हम प्लस का लेते हैं ठीक है तो 2 हो जाएगा, y इज इक्वल टू अगर हम माइनस का लेते हैं तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो दो आंसर हो गए, यानी कि क्या कोऑर्डिनेट होंगे उसके, कोऑर्डिनेट 0 2 0 होगा या 0 माइनस 6 होगा 0। आप इसको दोबारा देख लो हमने कैसे किया है। वाई एक्सिस पर उन्होंने बोला है, वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, और कोई पॉइंट गिवन है 3 - 2 - 5, इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से 5√2 गिवन है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर प्लस z1 - z2 का स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हमने इसको इक्वल रख दिया और इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लिया, इससे हमें पता चल गया कि y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। बट फिफ्थ क्वेश्चन है, ए पॉइंट आर विद एक्स कोऑर्डिनेट 4 लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, कोई पॉइंट है आपका पी जिसके कोऑर्डिनेट है 2 - 3 और 4, क्यू कोई पॉइंट है आपका 8, 0 और 10, कोई आर पॉइंट है विथ एक्स कोऑर्डिनेट, उसका एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, वाई कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, पॉइंट आर विद एक्स कोऑर्डिनेट 4 लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट पी 2 - 3 - 4 और क्यू जो पॉइंट है 8 - 0 - 10, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर, आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको आप कैसे करोगे, तो इसको इसको हमें एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उसका हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं एक कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये माना हमने एन रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमें पता है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4 है, तो हमने इसका यूज किया, तो 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8n प्लस के 2n डिवाइडेड बाई एन प्लस एन, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई की हमने 4n प्लस के 4n इज इक्वल टू 8n प्लस के 2n, तो हम n को चलिए उधर ले जाते हैं, n को इधर ले जाते हैं, तो 2n इज इक्वल टू कितना हो गया 4n हो गया, और n को उधर ले आएंगे तो 1/2 आ जाएगा, 2 * 4 करेंगे तो n/n, यानी कि रेशियो हमें पता चल गया कितना है 1:2 है। जब हमें 1:2 पता चल गया, ये पॉइंट r जो है 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो अब हम y कोऑर्डिनेट इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, तो 1 y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमने क्या काम किया, 1 × 0 + 2 × -3 डिवाइडेड बाई 1 + 2, यानी कि ये आ जाएगा -6 / 3
यानी कि माइनस का 2 आ गया। इसी तरीके से हम जेड कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। जेड कोऑर्डिनेट निकालने के लिए भी हमें यही काम किया, 1 के मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे 10 से करेंगे और 2 के मल्टीप्लाई 4 से किएंगे, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। तो 10 प्लस 8 18 हो गया, 18 को 3 से डिवाइड करा तो 6 आ गया। यानी कि उस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या आंसर हो जाएगा आपका, 4, वाई की वैल्यू -2 आई है और जेड की वैल्यू 6 आई है। तो ये हमारा आंसर है। तो हमने कैसे किया इसको, हमारे पास जो वैल्यू गिवन थी वो सिर्फ हमें पी और क्यू कोऑर्डिनेट गिवन थे और हमें ये दिया हुआ था कि जो पॉइंट हमें डिवाइड कर रहा है इसको, ठीक है, उसका एक्स जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 4 है, वाई और जेड हमें फाइंड आउट करना था। क्योंकि हमें एक्स कोऑर्डिनेट पता था, उस एक्स कोऑर्डिनेट की हेल्प से हमने क्या करा, एम रेशो एन फाइंड आउट कर लिया, उसका रेशो जो होगा वो फाइंड आउट कर लिया। जब हमें रेशो फाइंड आउट हो गया, उस रेशो का यूज करके हमने क्या किया, वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट की। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, इफ ए एंड बी आर बी द टू पॉइंट्स, ए कोई पॉइंट गिवन है 3, 4, 5 और बी कोई पॉइंट है आपका -1, 3 और -1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट पी सच दैट पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। पी कोई पॉइंट है ना, कोई इक्वेशन निकालनी है तो पी कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट अगर हमें लेना है तो हम एक्स वाई जेड की टर्म में लेते हैं, है ना। लेट द पॉइंट पी क्या है, वो एक्स वाई जेड, तो एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो अगर हम पी ए स्क्वायर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर और वाई माइनस 4 का स्क्वायर जेड माइनस 5 का स्क्वायर। इसी तरीके से क्योंकि ये स्क्वायर दिया हुआ है तो रूट लगाने की जरूरत नहीं है। फिर पी बी स्क्वायर किया हमने, तो पी बी स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर y माइनस 3 का स्क्वायर और आपका z प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। इसको आप ओपन कर लीजिए ना, जितनी भी ब्रैकेट है इसको आप ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस k 9 माइनस k 6 x। ये हुआ आपका वाई स्क्वायर प्लस के 16 माइनस के 8 वाई। ये हो गया आपका जेड स्क्वायर प्लस 25 माइनस के 10 जेड प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस के 6 वाई प्लस के जेड स्क्वायर प्लस के 49 प्लस के 14 जेड इज इक्वल टू के स्क्वायर। इसकी जो टर्म आपकी सेम है उन्हें आप ऐड कर सकते हो, है ना। ये जो टर्म आ रही है आपकी एक्स स्क्वायर में, आप एक्स स्क्वायर ऐड कर सकते हो, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर
यहाँ टू एक्स स्क्वायर हो गया, ये टू वाई पर हो गया, और आपका जेड स्क्वायर भी इसी तरीके से आप ऐड कर सकते हो, टू जेड स्क्वायर हो गया। अब आप ये एक्स वाले टर्म देखो, माइनस का सिक्स एक्स है ना, और प्लस का टू एक्स है तो माइनस का फोर एक्स हो गया। इसी तरीके से वाई वाले टर्म देखो, माइनस का एट वाई है, माइनस का सिक्स वाई है तो माइनस का फोर्टीन वाई हो गया, माइनस का टेन जेड और फोर्टीन जेड तो प्लस का फोर जेड हो गया। अब नंबर वाली टर्म देखो, नाइन और सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फिफ्टी, और ये वन फिफ्टी वन हो गया, फिफ्टी वन और वो नाइन सिक्सटी हो गया, सिक्सटी और फोर्टी कितना हो गया, वन हंड्रेड नाइन, तो वन हंड्रेड नाइन ये हो गया। माइनस के स्क्वायर लिख दो आप, सबको एक ही साइड में लिख दो, तो क्या आंसर हो गया। टू से डिवाइड करना चाहो तो टू से डिवाइड करके आप लिख सकते हो, टू से डिवाइड करके लिखना चाहो तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है ना, माइनस का टू एक्स, माइनस का सेवन वाई, प्लस का टू जेड, और ये वन हंड्रेड नाइन है, इसको उस साइड में लिखना चाहो आपके ऊपर है, इसको उधर लिखना चाहो तो उधर लिख सकते हो, वन हंड्रेड नाइन डिवाइडेड बाई टू ऐसे। तो ये आपका सोल्यूशन है। तो इसमें दिया हुआ क्या था क्वेश्चन में कि ए बी दो पॉइंट थे, तो हमें जो एक कंडीशन दी हुई थी, कंडीशन का यूज करके एक रिलेशन निकालना था एक्स वाई जेड, तो रिलेशन निकालने के लिए हमने जो कंडीशन थी वो कंडीशन का यूज किया, पी ए स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। पी क्या पॉइंट लिया, पी कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं हम एक्स वाई जेड, टू डायमेंशन में हम एक्स वाई लेते थे, थ्री डायमेंशन में हमने एक्स वाई जेड ले लिया, तो पी ए स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया हमने, पी बी स्क्वायर में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद इसको ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद जो टर्म सेम थी उनको हमने ऐड कर लिया, ठीक है, टू से भी लास्ट में डिवाइड कर दिया, तब भी टर्म में टू कॉमन आ रहा था इसलिए कर दिया, नहीं करना चाहिए तब कोई जरूरी नहीं। तो यहाँ तक हमने कम्प्लीट कर लिया, ठीक है, ये चैप्टर आपका कम्प्लीट हो गया है, इसको आप कम्प्लीट कर लेना आज के लिए है, हम इतना ही करा रहे हैं, कल देखेंगे क्या कराना है, ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।